विद्रुमोदुम्बरद्वारैर् वैदूर्यस्तम्भपङ्क्तिभिः स्थलैर्मारकतैः स्वच्छैर् भातस्फटिकभित्तिभिः। विद्रुम एक विलक्षण पत्थर होता है, उदुम्बर लकड़ी है, इनके द्वारा बना हुआ द्वार है, वैदूरी मणि से उसके पत्थर से बना हुआ स्तंभ की पंक्तियां हैं, लाइन की लाइन लगे हुए हैं। स्थलई मारकत ही जगह जगह पर मरकत मणि के द्वारा बना हुआ बैठक बने हुए हैं। स्वच्छिर भात स्फटिक भित्ति भी अत्यंत स्वच्छ, अत्यंत आर पार प्रकाश को प्रदान करने वाले स्फटिक से बना हुआ दीवार थे। ऐसा विलक्षण नगरी है अयोध्या नगरी। चित्रसृग भी पट्टिका भी वासो मणि गणांशुकैहि मुक्ता फलिश्चिद् उल्लासैहि कांता कामोपपत्तिभिः। चित्रसृग भी एक से एक विचित्र मालाएं, विभिन्न प्रकार के फूलों से बनते ना मालाएं, अनेक प्रकार की माला। यहां तो इतना प्रकार दिखाई नहीं देता है मालाओं के बारे में। आप चले जाए बंगलोर, मैसूर, कर्नाटक में, आंध्रा में, वही फूल की माला बेचते हैं तो हजारों प्रकार की डिजाइनदार हो, एक से एक, एक से एक, एक ही गेंदा का मिलता हो, कोई चीज नहीं मिलता, लाल पीला कलर कोई दूसरा रंग ही नहीं दिखता है। वहां तो विलक्षण बनेंगे। और ऐसे ऐसे कि वो पहले से वो बेंच से ना उतना उतना मोटा बना देते हैं, उसके ऊपर फूल सजाते हैं। इतनी मोटी मोटी माला है, दो दो आदमी उठा करके डालेगा। ऐसे ऐसे विलक्षण देखने को मिलता है, एक से एक दिव्य माला। चित्रा स्रग भी पट्टिका भी, पट्टिका भी जो है जगह जगह कपड़ों से बना हुआ तोरण बने हुए। वासो मणि गणांश कई ही वास, वासो मणि, मणि भी कैसे कपड़े की मणि बन गए, ऐसे बनाए विलक्षण। ऐसे गणांश कही ऐसे रुई से बना हुआ विलक्षण चीजों को भी उन्होंने टांग दिया है। मुक्ता फल ही चिदुल्लास ही, मुक्ता फल और चित्त को आनंदित कर देने वाले अन्य भी अनेक चीजों के द्वारा अलंकृत किया हुआ है संपूर्ण नगरी को। कांत काम उपपत्ति भी, कांत हमने कमनिया काम उपपत्ति भोग साधनानि च, और अत्यंत सुंदर भोग के साधनों को वैसे भी यहां सुसज्जित कर दिया गया है। धूप दीप सुरभिर मंडितम पुष्प मंडन स्त्री पुंभि सुर संकाशीर जुष्टम भूषण भूषण भूषणान में भूषण भूतेर भूषण भूषण ही। जो आप भूषण समझते हैं भूषणों को भी फेल करने वाला ऐसी विलक्षण भूषण, भूषणानम भी भूषण, भूषणों का भी भूषण, ऐसे विलक्षण चीजों के द्वारा सुसज्जित किया गया है। जगत धूप चल रहा है, दीप चल रहा है, सुरभि सुगंधित जो है अगरबत्तियां चल रही हैं, पुष्प मंडन ही मंडितम पुष्प मंडप मंडपों से बनाए हुए अनेक मंडप बने हुए हैं, स्त्री पुंभि सुर संकाश ही देवता और देवियों के सदृश ऐसे स्त्री और पुरुष भी अपने आप को अलंकृत करके वहां पर विराजमान है। जुष्टम भूषण भूषण ही भूषणों को भी भूषित कर देने वाला, कैसे सेवित ऐसा स्त्री पुरुष आदियों से भरा हुआ तो हर रास्ता हर मार्ग जो है स्वागत करने के लिए तैयार है। तस्मिन् स भगवान रामः सुन्निग्धया प्रियेष्ठया रेमे स्वाराम धीराणाम ऋषभ सीतया किल। तस्मिन् स भगवान राम, तादृश नगरी में अयोध्या नगरी में भगवान राम का जो आगमन हो रहा है, कैसे हैं वो अकेले नहीं आ रहे हैं, सीतया किल सहरे में सीता जी के साथ वहां पर प्रधान आर्तवा दिखाई दे रहे हैं। स्निग्धया प्रियया इष्टया, अत्यंत प्रिय है, हाँ, अत्यंत स्नेह पूर्णा है और इष्टा है ऐसी सीता के साथ। स्वाराम धीराणाम ऋषभा, अपने अंतकरण में अपने स्वरूप में रमण करने वाले धीर पुरुषों का जो अत्यंत पूजनीय उपास्य परमात्मा श्रीमन राम जो है वो सीता जी के साथ अत्यंत विभूषित हो रहे थे। बुभुजे च यथा कालम कामान धर्मम अपीडयन वर्ष पूगान बहून ऋणाम अभिध्याताङ्ग्रि पल्लवः। इस प्रकार
यथाकालम, जो जिस समय में जैसा प्रकार का कामनाओं को भोग करनी चाहिए, धर्मम अपीड़यन, धर्म का अविरुद्ध कामनाओं को उपभोग करता हुआ काफी समय तक, वर्ष पूगान बहुन, बहुत सारे जो है वर्षों तक समस्त प्रजाओं का जो है ना ध्यान रखता हुआ अंग्र पल्लव जो है चरण भगवान के चरणारविंद से युक्त वह नगरी शोभायमान होता रहा है। निविर अविद्यातम अंग्री पल्लव सगल मनुष्यों के द्वारा अभिध्यात है चरण कमल जिसका, ऐसे श्रीमन राम का जिस द्वारा जो है पालन किया जा रहा था। बुभुजे पालन अभ्यारण्य दोनों अर्थ में था ना, इसलिए बुभुजे का प्रयोग किया। श्री गोवाच अब वंशावली कथन करते, कुशस्य चातिति तस्मात् निषदस्तत् सुतो नवः पुंडरीकोत तत्पुत्र क्षेम धन्वा भवत् ततः। कुश का पुत्र था अतिथि, कुशा के पुत्र का नाम अतिथि है, और अतिथि के पुत्र का नाम निषद, निषद के पुत्र का नाम पुंडरीक, पुंडरीक के पुत्र का नाम क्षेम धनवा। बीच निषद का पुत्र नभ, नभ का पुत्र पुंडरीक, और पुंडरीक का पुत्र क्षेम धनवा। देवानी कसतो वरीय पारियात्रो अत सुत तथो बल स्थल तस्माद व्रजन्नाभ्वर्क संभव। और क्षेम धनवा का पुत्र वा देवानिक, देवानिक का पुत्र अनीह, अनीह का पुत्र पारियात्र, पारियात्र का पुत्र जो है ततो बलस्थल, बलस्थल नाम का व्यक्ति, तस्मात उस बलस्थल का पुत्र वज्रनाभ, वज्रनाभ जो है अर्क संभव। मानो एक तो सूर्य की कृपा से प्राप्त होने से अर्क संभव, अर्कस्यांशात भूसंभूत, अर्क का अंश से उत्पन्न हुआ था, वो सूर्य का अंश से पैदा हुआ है वज्रनाभ। खगणस्तत्सुतस्तस्मात् विदर्तिश्च भवत् सुतः ततो हिरण्यनाभ अभूत् योगाचार्यस्तु चैमिनेः। और उस वज्रनाभ का संतान हुआ खगण, वज्रनाभ के पुत्र का नाम खगण, क्योंकि सूर्यांश से संबंधित है ना, इस सूर्यांश में शामिल खगण हो गया। खगण कहते जितने भी नक्षत्र तारा है समूह सारा, उसी नाम वाला उनका संतान रख दिया गया। तस्माद विधृति, उससे क्या हो गया, उसका पुत्र हो गया विधृति, विधृति का पुत्र हिरण्यनाभ, महान योगाचार्य हुआ ये। तथो हिरण्यनाभ अभूत योगाचार्यस्तु जैमिनेः, जैमिनेः शिष्य, जैमिनी का शिष्य योगाचार्य हुआ। यहाँ रोज जीवन नहीं लेना कर्मकांडी भी मान सके, अलग कोई योगाचारी हैं जिनसे ज्ञान प्राप्त कर ये भी महान योगी हो गया था। अगले श्लोक में बता रहे, देखिए, शिष्य कौशल्य आध्यात्म याज्ञवल्क्योद्यगादितः योगम महोदयम ऋषिर हृदय ग्रंथि भेदकम। यत सकाशा, जिस जीवनी से प्राप्त किया किसने, हिरण्यनाभ ने, और हिरण्यनाभ से किसने प्राप्त किया, कौशल्य ने, याज्ञवल्क्य ऋषि ने, इन दोनों ने इस हिरण्यनाभ से ही योग की शिक्षा प्राप्त की। अध्यगाद्यतः, अध्यगात मैंने प्राप्तवान, अध्यात्म योगम, कीदृशम अध्यात्म योगम, महोदयम महानता उदयो सिद्धयो, यस्मिन महान सिद्धियां प्राप्त होता है जिस प्रकार के, उस प्रकार के योग को जो है उन लोगों ने, तीन दोनों ने प्राप्त किया, कौशल्य और याज्ञवल्क्य, जो कि समस्त हृदय ग्रंथियों को भेदन करने वाला योग है, तारस्य को उन्होंने प्राप्त किया हिरण्यनाभ से, और हिरण्यनाभ ने उसको जैमिनी से प्राप्त किया। पुष्यो हिरण्यनाभस्य ध्रुव संधि ततो अभवत सुदर्शनो अथाग्निवर्ण शीघ्रस्तस्य मरुः सुतः। और हिरण्यनाभ का पुत्र वा पुष्य, पुष्य का पुत्र ध्रुव संधि, ध्रुव संधि का पुत्र सुदर्शन, सुदर्शन का पुत्र अग्निवर्ण, उसका भी पुत्र है शीघ्र, शीघ्र का पुत्र मरुहु। योसो वास्ते योग सिद्धा कलाप ग्राम आश्रत कलेरंते सूर्यवंशम नष्टम भावयिता पुनः। ये मरु नाम का जो पुत्र ना, ये है अपने योग सिद्धियों के द्वारा, योगों से सिद्ध है वो, इसलिए वो कलाप नामक कोई गांव है, उस गांव में छिपा हुआ रहता है। कलाप ग्राम आश्रत, कलाप कहते क्या, बातचीत, गप सप,
इसी में वो छिपा हुआ है, इसके अंदर ही वो छिपा हुआ रहता है और कलयुग जैसे समाप्त होने लगता फिर वो प्रकट हो जाता है। ऐसे विलक्षण योग सिद्ध पुरुष है। क्यों उत्पन्न होता है दोबारा? वह सूर्य वंश का दोबारा भावित करने के लिए ही कलेरंते सूर्य वंशम, कलयुग के अंत काल में सूर्य वंश का पुनरुद्धार करने के लिए नष्टम भावयिता पुनः, जो नष्ट सूर्य वंश है उसी को पुनः भावित करने के लिए वो अब विराजमान रहता है। लेनु सुमरु अभी भी जीवित है, छिपा हुआ है, सबके वाणी में कलाप के रूप में विद्यमान है वो, लेकिन वह उसका पुत्र तस्मात् सुश्रुतस्तस्य संधिस्तस्याप्यमर्षण महस्वान सतुतस्तस्माद् विश्वसाहो अन्वजायत। उस मरु का पुत्र वाता प्रसुश्रुता, प्रसुश्रुत का पुत्र है संधि, उसका पुत्र है अमर्षण, अमर्षण का पुत्र है महस्वान और महस्वान का पुत्र तस्माद् विश्वसाहो, विश्वसाहो पैदा हुआ। तथा प्रसेनजित तस्माद् तक्षको भावित भविता पुनः ततो बृहद बलो यस्तु पित्राते समरे हतः। तथा प्रसेनजित उससे प्रसेनजित तस्मात और उससे ये तो हो गया समकाल पर्यंत था प्रसेनजित, तस्मात तक्ष को भविता पुनः, भविता प्रयोग कर दिया, भविष्य में होने वाले लोग हैं। ततो बृहद बलो यस्तु पित्राते समरे हतः, और उनका पुत्र ततो बृहद बलो उससे बृहद बल पैदा हुआ जो कि तुम्हारे पिता के दर्जों के मारा गया था। ये थे इक्ष्वाकु भूपाला अतीता श्रृण्वना आगतान बृहद बलस्य भविता पुत्रो नाम बृहद्रण। ये इक्ष्वाकु वंश के राजा लोगों में से जो बीते हुए अतीता बीते हुए राजा लोग हुए, अब भविष्य में होने वाले राजा लोगों को भी सुनो, शृणु अनागतान, जो अनागत थे उनके बारे में सुन लो, भविष्य में होने वाले राजा लोग इक्ष्वाकु वंश के, कब करे जो सुखदेव महाराज जी थे उस समय की बात, उसके बाद होने वाले लोग। बृहद बल का पुत्र था बृहद्रण, बृहद्रण का पुत्र कौन है? उरुक्रियस्तस्य वत्सवृद्धो भविष्यति प्रतिव्योमस्ततो भानुर दिवाको वाहिनी पति। उसका पुत्र है उरुक्रिया, विलक्षण कर्मों को करने वाला, तस्य वत्सवृद्धो, बचपन में ही ज्ञान से वृद्ध था अतः वत्सवृद्ध नाम था उसका। उसका पुत्र कौन हुआ? प्रतिव्योम, प्रतिव्योम आकाश की विपरीत स्वभाव वाला था वो। आकाश और स्वभाव वाले कौन है? ब्रह्मज्ञानी होते हैं, आकाश के समान व्यापक है किंतु इसके विपरीत स्वभाव वाला है, अर्थात ये जड़ है वो चेतन है। ततो भानुर उसके बाद उसका पुत्र भानु दिवाको वाहिनी पति। भानु देवा का, देवताओं का भी जो पूज्य और जो वाहिनी पति, जो दिन को भी वहन करने वाला का जो स्वामी रूपा, साक्षात सूर्य ही उस रूप में प्रकट हुआ, भानु के नाम से पुत्र होकर अवतरित है। सहदेवस्ततो वीरो बृहदश्वथ भानुमान प्रतीकाशो भानुमतः सुप्रतीकोथ तत्सुतः। और वाहिनीपति दिवाकर नाम सुप्रसिद्ध जो भानु का पुत्र सहदेव, सहदेव का पुत्र बृहदश्व, बृहदश्व का पुत्र भानुमान, भानुमान का पुत्र प्रतीकाश्व, प्रतीकाश का पुत्र है सुप्रतीक, सुप्रतीक का भी पुत्र भविता मरुदेवथ सुनक्षत्रोथ पुष्कर तस्यांतरिक्ष तत्पुत्र अभित्रजित। भविता मरुदेव सुप्रतीक का पुत्र होगा मरुदेव, मरुदेव का पुत्र सुनक्षत्र, सुनक्षत्र का पुत्र पुष्कर, पुष्कर का पुत्र होगा अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का पुत्र सुतपाहा, और सुतपा नाम का व्यक्ति उसका भी पुत्र होगा अमित्रजित, शत्रु को जीतने वाला। उस शत्रुजित का भी संतान कौन है? बृहद्राज सुतस्यापि भर्रिस्तस्माद् कृतंजयः रणंजयस्तस्य सुतः संजयो भविता ततः। और उस शत्रुजित जो अमित्रजित है उसका पुत्र बृहद्राज, बृहद्राज का पुत्र बर्री, बर्री का पुत्र कृतंजय, कृतंजय का पुत्र रणंजय, रणंजय का पुत्र संजय, संजय का भी पुत्र कौन होगा? तस्मात् छात्वद शुद्धो दो लांगलस्तत् सुतः स्वतः तथ प्रसेनजित तस्मात् क्षुद्र को भविता ततः। उसका पुत्र का नाम शाक्य हुआ, शाक्य का पुत्र शुद्धोद, शुद्धोद का पुत्र लांगल, लांगल का पुत्र प्रसेनजित, प्रसेन का पुत्र है, प्रसेनजित का पुत्र है क्षुद्र को। ऋण को भविता तस्मात् सुरतस्तनयस्ततः सुमित्रो नाम निष्ठांत एते बारद बलान्वयाः।
असंजित का क्षुद्र, क्षुद्र का पुत्र है रणक, रणक का पुत्र है सुरथ, उसका भी पुत्र है सुमित्रो नाम निष्ठांत। ये जो है काल की समाप्ति पर निष्ठांत, मैंने इसका तात्पर्य है कि कलि के काल की परिसमाप्ति, इनकी जो वंश की काल की परिसमाप्ति के साथ साथ होने वाला है, उसका नाम सुमित्र नामक राजा होगा। इस प्रकार से भारत बल गए वंश जो भविष्य में होने वाले हैं उन सब का वर्णन कर दिया। इक्ष्वाकूणा मय वंश सुमित्रांतो भविष्यति यतस्तं प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यति वै कलौ। आगे ना इक्ष्वाणो इक्ष्वाकूणामय वंश, इक्ष्वाकुं का वंश है जहां पर अंत में कौन होएगा, सुमित्र नामक राजा अंत में होने वाला है। यथा कलौ अंत्य करें संस्थान कलौ प्राप्स्यति वै संस्थान राजानं यथा तम प्राप्य, नहीं वो हो गया समाप्त हो गया क्योंकि कलयुग स्टार्ट हो चुका है ना, अभी कलयुग शुरू हो चुका है, इसका मतलब सब राजा भी हम लोगों के हिसाब से हो गए हैं आज के दिन के हिसाब से, सुखदेव के हिसाब से होने वाले थे जब सुखदेव रहे उस समय के हिसाब से होने वाले थे ये सब द्वापर युग के अंत में। अब क्या हो गया, कलयुग के आरंभ उसी दिन से हो गया जब सुमित्र राजा खत्म हो गया। यतः तम प्राप्य राजानं, तम राजानं प्राप्य संस्थान प्राप्य, जहां पर इस राजा ने अपने अंत काल को प्राप्त कर लिया वहीं से कलौ प्राप्त वही संस्थान कलियुग जन अपने अधिष्ठान को सत्ता को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से वहीं से कलियुग आरंभ हो गया। निमिरिक्ष्वा कुतनयो वशिष्ठम अवृत ऋत्विजम आरभ्य सत्रं सोप्याह शक्रेण प्रावृतोस विभो। अब इक्ष्वाकु का दूसरा पुत्र निमि के बारे में वर्णन करने जा रहे हैं। राजा निमि इक्ष्वाकु का जो पुत्र था वह एक बार यज्ञ करना चाहता था और यज्ञ करने के लिए उसने महर्षि वशिष्ठ जी को जो है वर्ण करने के लिए प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कहा भाई देखो मैं पहले से ही वृत हूं, मुझे शक्र माने इंद्र ने मुझे वर्ण कर लिया है, इसे मैं उसके यज्ञ समापन कर मैं लौटूंगा, तब तक तुम इंतजार करना। आरभ्य सत्रम सोप्या शक्रेण प्रावृतोस विभो। लेकिन समस्या क्या थी, उसने गड़बड़ी कर लिया, निमि ने सत्र को आरंभ करके वशिष्ठ को वर्ण करना चाहा। सत्रम आरभ्य वशिष्ठम ऋतुजम अवृत सोप्या, लेकिन वो कहता है कि भाई तुम मेरे को वर्ण कर रहे हो कर लो कोई आपत्ति, लेकिन मैं इस समय सत्र याग संपादन नहीं कर सकता। क्यों, शक्रेण प्रागृतोस विभव, मैं शक्र के द्वारा इंद्र के द्वारा पहले ही व्रत हो चुका हूं, इसलिए मैं पहले उनका काम करके आऊंगा। तम निर्वर्त्य आगमिष्यामि तावन माम प्रतिपालय तुष्टिम आसित गृहपति सोपिंद्रस्य करोत्मखम। तम निर्वर्त्य आगमिष्यामि, और उस याग को संपन्न करके मैं लौटूंगा, तावत उतने काल पर्यंत माम प्रतिपालय मेरा जो है तुम प्रतीक्षा करो। तुष्टि मास गृहपति क्यों नहीं, यज्ञ यज्ञमय देवा अयजंत, वेद गलत बोलेगा क्या, नहीं नहीं वो अर्थ अलग है। ब्रह्मसूत्र में निर्णय ये नहीं कर रहे हैं कि भाई यज्ञ का तात्पर्य वहां क्या लेना है, किस प्रकार यज्ञ के अधिकारी है, यादृश यज्ञ के अधिकारी आप है, तादृश यज्ञ के अधिकारी वो नहीं है, वो तो स्वर्ग ऑलरेडी प्राप्त है उनको, आप स्वर्ग को प्राप्त करने योग्य यज्ञ कर रहे होगे ना, वो स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर सकते, प्राप्त है उसको, स्वर्ग में रह रहा है, वो ब्रह्म वर्चस्वादी के लिए करेगा। जो अन्य यज्ञ है जिससे उनका वर्चस्व बढ़ सके, इंद्रिय काम हो जाएंगे, जो यज्ञ जिसके योग्य होता है वही यज्ञ कर सकता है, तो तत्लोकों में कोई दिक्कत नहीं, कर ही नहीं सकता क्या आवश्यकता उसको, जो वो प्राप्त है उसको क्यों करेगा, उस दृष्टिकोण से निषेध होता है, आत्यंतिक निषेध नहीं कर सकते, श्रुतियों का विरोध हो जाएगा, आत्यंतिक निषेध नहीं आता है। तो कहते हैं कि भाई वो मौन हो गया, क्या करता, चुप हो गया बेचारा गृहपति निमि तुष्टिम आसीत सोपी, और बजट ने भी क्या किया, इंद्र से करोत्मखम, इंद्र के यज्ञ करने के लिए आरंभ कर दिए।
अगर रिमी ने सोचा पता नहीं कल मैं मर जाऊं तो ये सत्रयाग तो अधूरा रह जाए, ऐसा सोच करके क्या प्रतीक्षा करना उनके आने तक, चलो दूसरे पंडित पंडित को लेके चालू कर दो, ये सोचा उसने। गलत भी नहीं था, क्यों? देवताओं का याग करने गए हैं, देवताओं का एक दिन यहाँ कितने दिन होता है, साल भर बीत जाता है, वह कितने दिन का याग क्या मालूम, पूछा तो ही नहीं, या कितने वर्ष बीतेंगे इसका मतलब, कब तक जिंदा रहेंगे क्या गारंटी है। ये निमी का सोचने में कोई गलत नहीं था, उधर वशिष्ठ का कहने में कोई गलत था, जब तुमने वर्ण किया ही मुझे तब तक इंतजार कर, दोनों अपने अपने जगह पर सही है, हैं? क्या हाँ मौन हो गया ना, ये भी नहीं कहा मैं प्रतीक्षा करूंगा, नहीं करूंगा ये भी नहीं बोला, बोलना चाहिए था मैं, आप कब तक आएंगे थोड़ा तारीख वारीख टाइम बता दीजिए, ये आप फिर समय बहुत लंबी होती तो कहते फिर आप इतने लंबे समय तक जा रहे हैं, फिर आप हमें अनुमति दे दो हम दूसरे को वर्ण कर लेंगे, आप स्वयं अपने प्रतिनिधि को बता दो। पूछ सकता था निमी की वहां गलती हुई है और उधर वशिष्ठ की भी गलती है, क्योंकि निमी का शब्द क्यों लग गया वशिष्ठ, यदि वशिष्ठ कोई गलती नहीं था तो वशिष्ठ को बोलना चाहिए था ठीक है भाई तुम दूसरे को वर्ण कर लो, बात खत्म थी, क्यों प्रतीक्षा करने बोल रहे हैं, लोभी लालची बन रहे हैं, या तो लोभी लालची हो गए इसका मतलब, ये सीधा होना चाहिए ना, लोभी लालची तो नहीं कहा जा सकता वशिष्ठ को, ये कहना पड़ेगा उनसे भी प्रमाद हो गया, उनको प्रतीक्षा नहीं कराना चाहिए यजमान को, बुझे दूसरे को आप लोग, तो दोनों की गलती है इसलिए एक दूसरे के शब्द दोनों को लागू हो गया, एक की गलती होती तो एक जिसकी गलती उसका शाप लागू होना चाहिए, दूसरे को शाप स्पर्श भी नहीं करना चाहिए था, एक राजा निमि शाप दे रहा है वशिष्ठ को, वशिष्ठ को शाप लग गया, इसमें वहां भी कुछ न्यूनता है प्रमाद है, और वशिष्ठ जी तो दे रहे थे और तो श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्होंने राजा को दिया लग गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक क्षत्रिय ब्राह्मण को वो भी वशिष्ठ जैसे ब्राह्मण को दिया फिर वो शाप लागू लग हो गया, इसका मतलब वहां भी न्यूनता है प्रमाद है, वो कहता भी आप धर्म विरुद्ध चल रहे हैं, ये धर्म नहीं है जिस प्रकार से कई शास्त्र में नियम नहीं है इस प्रकार का, मैं मौन हो गया मेरी गलती जरूर है मुझे उसी समय आपको बस ठीक है फिर जाइए आप मैं दूसरे को ले रहा हूं बोल देते, मैंने नहीं बोला मेरी गलती, मैं तुष्टिम हो गया ना ये मेरी गलती, और आप जो कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं, इसे दोनों के दूसरे शाप लग जाता है। निमिश्चलम इदम विद्वान सत्रम आरभतावान ऋतिक बीर अपरिस्तावन ना तावत नागम अद्यावता गुरु हो नागमत यावता गुरु हो निमिश्चलम इदम इति विद्वान निमि ने निर्णय लिया इदम शरीरम चलम कभी भी मौत को प्राप्त हो सकता है इति विद्वान ऐसे जानते हुए सत्रम अपरे ऋतिक बीर आत्मवान आरभता वो आत्मवान जो निमित्त है जो ज्ञानवान जो है वह निमि ने क्या किया अन्य ऋतुओं के द्वारा सत्र को आरंभ कर दिया तावत यावत गुरु न अगमत उतने समय से पूर्व में ही कर डाला जितने समय के पूर्व में गुरु के आना होता उसे पहले उसने कर दिया वो नहीं आए थे उतने में इसने सत्र को निपटा दिया लेकिन वो तो त्रिकाला की वो सब जानते तो देख लिए शिष्य व्यतिक्रम वीक्षा निर्वर्त्य गुरु रागत अशपत पतता देहो निमिह पंडित मानिना अपने आप को पंडित मान रहा है सर्वशास्त्र के मान करके जो है कर बैठा निमि ने निमि ने विचार नहीं किया शास्त्र विरुद्ध अवरुद्ध उसने विचार दूसरे ढंग से की उसने इतना विचार किया शरीर का तो कोई भरोसा नहीं यज्ञ अधूरा न रह जावे इतना ही उसके दिमाग में आई शास्त्र विरुद्ध अवृत ये नहीं यदि भी शास्त्र विरुद्ध था वर्ण क्यों किया उसने अवृत शब्द है ना वहां अवृत वर्ण नहीं करना चाहिए था या तो वर्ण ही को वापस लेता हो जब वशिष्ठ जी ने कहा मुझे शक्र ने व्रत कर लिया है मेरे आने तो तुम जो है प्रतीक्षा करो तो नहीं महाराज मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता आप वर्ण वापस कर दीजिए मैं दूसरे को वर्ण कर लूंगा ये नहीं कहा और शास्त्र रुद्ध कर दिया आपको याद होगा छांदोग्य उपनिषद में आता है
एक बार जो ब्राह्मण को वर्ण कर ले उसको तिरस्कार भी कर सकता है। वशिष्ठ चक्रायन जाता है, जब पहले सब वहां पर ब्राह्मण वर्ण हो चुके थे, तो वशिष्ठ चक्रायन क्या कहता है, अब मेरे को कहां लोगे, मेरे को तो ले नहीं सकते, तुम्हारा 16 ब्राह्मण पूरा फिट है वहां, पूरा पूरा हो गया संख्या। इतना ही उसने कहा, ऐसे जितना सब टोटल दक्षिणा हो ये मुझे भी दे देना बस, तब मेरी कृपा से तुम्हारा यज्ञ संपन्न हो गया। ये नहीं कहा अमुक वर्ण किया ना इसको हटाओ, इस जगह से देवता ज्ञान है नहीं, कुछ ज्ञान नहीं उसको हटाओ, इसको मुझे ले लो, ऐसा नहीं कहा। कि व्रत है तो व्रत ही है, वैसे यज्ञ को उन्हीं से पूरा करना, चाहे वो गधा है घोड़ा है चाहे जैसा आदमी है, वैसे पूरा करना ही होगा। उस समय जो कोई विद्वान ऐसे ज्ञानी पुरुष आ भी जाए उसको आप अलग से वर्ण नहीं कर सकते, क्या पहले आपने जितनी संख्या जोड़ दे उधर वर्ण कर चुके हो, इतना ही कर सकते हैं। उनकी दृष्टि मात्र से सकल दोष दूर हो रहा है, इस दृष्टिकोण से आप उनको जो सम्मान के रूप में अधिक दक्षिणा दिया जा सकता है, ये श्रुति से ज्ञापित हो गया वशिष्ठ चक्रायन प्रकरण से। जब वर्ण तुमने कर ले से तुमको रुकना ही चाहिए था, दूसरों से करना नहीं चाहिए, इसलिए पंडितम मानना कह रहे हैं। वशी करते तुम अपने आप को बड़ा पंडित मान रहे हो, शास्त्रों का ज्ञाता तुम नहीं हो, तुमने गलत किया। शिष्य के कृत व्यतिक्रम को देख करके गुरु रागतः अशपत, उन्होंने शाप दे दिया आकर के, पततात देहो निमेहे पंडित मारिना, अपने आप को पंडित मान तो तुम निमी का शरीर तत्काल मर जावे, ऐसा शाप दे, मर गया। मरने से पूर्व पुरुष ने बोल दिया निमी भी, निमी ही प्रतिदित शापम गुरुवे अर्ध अधर्म वर्तिने तवापि पततात देहो लोभा धर्मम मजानत, कदापि धर्म को नहीं जान रहे हो, लोभ के वश में आकर के मुझे प्रतीक्षा करने को आदेश दिया था, क्यों मुझे प्रतीक्षा करने की आदेश दिया, आप गलती आपकी अपनी भी मान लीजिए। लोभ वशात धर्म मजानतः जो है तवापि जो है पतता देहो, तुम्हारा भी शरीर गिर जावे नष्ट हो जावे, कह दिया वो भी मर गए बेचारे, गुरु चेला दोनों एक साथ खत्म। निमी ने भी शाप प्रतिदान कर दिया, यहां कहते शापात कर दिया, गुरु शाप ने ये लोभाधिक विशेषण जोड़ दिया, यद्यपि ये भी उचित नहीं है, लोभ के कारण से थोड़ी प्रतीक्षा कराया, जब तुमने वर्ण कर लिया है मेरे को तो ठीक है मैंने मान लिया, बस रुकिए आप, तब तक स्वाभाविक था। लेकिन इसने यहां पर लोभात कर दिया, धर्म मजानता धर्म को न जानता हुआ लोभ से आपने ये सब कर दिया, गलत किया है, आते हुए शाप दे दिया। अब वशिष्ठ फिर कहां पैदा होंगे, उत्सर्जस्वम देहम निमिराध्यात्म कोविद मित्रावरण योर जज्जे उर्वश्यम प्रपितामह। निमी जो अध्यात्म का ज्ञान रखने वाला कोविद था, विद्वान था, महान, वह अपने शरीर को अपने स्वरूप में मन लगा करके त्याग दिया। इन वशिष्ठ जी को तो पुनरावतरित होना जरूरी है संसार के लिए, उन्होंने क्या किया, मित्रावरण और यज्ञ उर्वश्याम प्रपितामह, प्रपितामह ने वशिष्ठ जी वो जो है मित्रावरण के द्वारा स्खलित जो वीर था वह घड़े में विद्यमान था, जो उर्वशी को देखा उन्होंने, उर्वशी को देखने पर मित्रावरण देवताओं को मैंने काम की इच्छा जग गई, उर्वशी ने जब सहयोग नहीं दिया चली गई, उनका वीर गिर पड़ा और वो जो वीर घड़े में गिर पड़ा, उसी घड़े से अब वापस वशिष्ठ जी जन्म लेते हैं, इसलिए उनका एक नाम कुंभ संभव, कुंभे रेत शिशि चतुः समानम, ऐसे श्रुति प्रमाण है, श्रुति के आधार पर बोला जा रहा है। उर्वशी दर्शना स्कन्नम रहता ताभ्याम कुंभे निषिक्तम तस्मात प्रपितामह वशिष्ठ जग्गे तिरता, काम भी कह दिया। गंधवस्तु तेहम, अब इधर निमी का शरीर को क्या किया, वैसे का वैसे गंधवान वस्तुओं के अंदर छिपा करके पंडितों ने रख दिया,
क्रिय के समापन हुआ नहीं था, उतने में वज्रज साहब ने खत्म कर दिया। अब उसको वैसे के वैसे रख करके इधर जो है यज्ञ को संपन्न कर दिया, पृथ्वी को संपन्न कर से देवता लोग आ गए। देवताओं को कहा कि आप जो आप हमारे यजमान को जिंदा कर दीजिए। तो उन्होंने कहा तथास्तु, निमी कदन है, मैं शरीर वापस जिंदा नहीं होगा। मान से ये तो बेकार शरीर है, मनुष्य क्या कोई भी योनि का शरीर क्यों ना हो, शरीर तो शरीर है, क्लेश का कारण है। बहुत सुंदर उपदेश दे रहा है, देखिए यहां पर आएगा। गंध वस्तु शुतक देहं निधाय मुनि सत्तमाहा समाप्ते सूत्र याज्ञत देवानुचो समागतान। गंध वस्तु मैंने सुगंधित वस्तुओं में उसके शरीर को निधाय मुनि सत्तमाहा बस श्रेष्ठ मुनियों ने क्या किया, सत्रिया के समाप्त सत्रिया को समापन किया और वहां देवता लोग जब पधारे उनके प्रति समागतान देवान प्रति ऊंच हो समागत देवताओं के प्रति उन्होंने कहा राज्यो जीवत देहोयम प्रसन्न प्रभो यदि तथेतुक्ते निमि प्राह मा भुन मे देह बंधनम। उन्होंने कहा प्रसन्न आश्चेत यदि आप देवता लोग सब प्रसन्न है और प्रभो यदि पुनर्जीवित करने के लिए सामर्थ्य है आपके पास तो राज्यो देहोयम ये राजा को जो मुर्दा पड़ा है यहां पर यह पुनर्जीवित हो जावे जीवतु वयम तथा इत्युक्ते तथास्तु कर दिया देवताओं ने वह शरीर जिंदा हो गया। जब जिंदा हुआ तो निमी बोल पड़ा निमी प्राह मां भूतमे देह बंधनम मैं इस देह बंधन को नहीं चाहता हूं कह दिया। क्यों नहीं चाहते हो, यस्य योगम न वांछन्ति वियोग भय कातराः भजन्ति चरणां भोजम मुनयो हरि मेधसः। हरि में ही मेधा मन चित्त को धारण किए हुए जो मुनि लोग जिस शरीर का योग संबंध को कभी नहीं चाहते कि वो जानते हैं वियोग भय कातराः यह शरीर एक एक दिन मरेगा, इसका वियोग जरूर होगा, उस वियोग के भय से पीड़ित होकर के मुनि लोग अपना चित्त को भगवान के चरण कमलों में लगा देते हैं और भजन में लगे रहते हैं और इस शरीर के योग को नहीं चाहते हैं। ऐसे शरीर का संबंध योग में भी नहीं चाहता। देहम नावरुत्सेहम दुख शोक भयावहम सर्वत्रास्यतो मृत्योर मत्स्यानं उदके यथा। कहते इसलिए अहम न अवरुत्से इस शरीर पर मैं प्रवेश नहीं करूंगा। देहम अहम न अवरुत्से अवरोहनम न करिष्ये। क्यों? क्योंकि देह दुख शोक भयावहम दुख शोक और भय को वहन करते रहते सदा यह शरीर। सर्वत्र स्यतो मृत्यु हर तरीके से विचार करके देखिए आप हर प्रकार से 24 घंटा यह शरीर मृत्यु की में ग्रस्त रहता है। क्षण प्रति क्षण जाना यह मृत्यु की ओर जा रहा है सदा मृत्यु से ही ग्रस्त है। आप सोचते हैं हमारी आयु बढ़ रही है लेकिन वास्तव बढ़ नहीं रही है घट रही है। आदमी सोच उल्टा सोचता है कितने आयु के हो गए 45 के अब कितने होने जा रहे 46 के देखो हमारी आयु बढ़ गई। अरे बढ़ गई नहीं तेरी आयु 46 साल खत्म हो चुकी कम हो चुकी। अब कितना बचा है तुमको मालूम नहीं ज्योतिषी अंदाज बता देगा। ज्योतिषी पक्का ज्योतिषी हो तो बता देगा तुम्हारा कुल आयु 62 है तो उसमें से 46 निकाल दो उतना तेरा बच गया समझ लो। अब कितना आयु बचा है इसलिए 16 बच गया बात खत्म तेरी है या नहीं। बढ़ेगा 16 साल आयु वाले हम हो गए 46 के कहां हुए अब तो 16 के बाकी रह गए हैं। गया तो गया वो तो आने वाला ही नहीं और जो आने वाला 16 ही है तो 16 ही बाकी रह गए हम तो 16 साल के हो गए 46 के कहां रह गए। लेकिन आप जो है ये बात कहीं ट्रेन में इधर उधर घटा के बोलो मैं तो 5 साल का बच्चा हूं धैर्य लो इतना बुढ़ा आदमी 5 साल का बोल रहा अपने आप मानेंगे नहीं इन बातों को ना। वास्तविकता तो ये है अब 5 साल बाकी जिंदा रहना है तो हमारा 5 साल आयु बाकी है 5 साल का हूं मैं या नहीं।
जैसे बोलते हैं एक्सपायरी डेट, हाँ दवाइयों पर नहीं, कितने दिन बाकी है इसकी आयु, आप ये नहीं बोलते कितनी पुरानी है, ये नहीं देखते हैं अब कितने दिन बाकी है ये। यदि जितने दिन में मैं लेना चाहिए पूरे समय तक का है तो ठीक है, ले लेंगे उसको, है ना। यदि आपको 6 महीने लेना है उसके अंदर तक वो चलने वाली हो तो ठीक है, ये 3 महीने के बाद ही खत्म होने वाला हो तो आप नहीं लेंगे, कहेंगे तो भाई एक्सपायर्ड हो जाएगा, हम जब तक कोर्स हमारी पूरी तब तक आधी दवाएं बेकार हो जाएगी, ऐसा बोतल हम नहीं खरीदेंगे। वहां तो आप जो शेष आयु की गिनती करते हैं, एक्सपायरी डेट वाला जहां मामला आता है, लेकिन जो है अपना एक्सपायरी डेट का मामले में कोई गिनता नहीं है, ये नहीं। ये विचित्रता है संसार की, मोह ममता है। इसलिए कहता है दुख शोक भयावहम सर्वत्र सेतो वृत्यो यथा दृष्टांग मत्स्यान उदके यथा, जैसे जल में मछलियों का हाल है, जल के अंदर रहेंगे तो भी उसकी मौत पक्की, निकले तो मौत पक्का, कहां जाए वो, कोई पकड़ लिया तो मौत है, हर तरह से मौत ही मौत है उसकी पक्की है। कितना दिन तक जिंदा रहेगा जल में, कितना दिन तक घूमते फिरते रहेगा उसमें, वहां भी मौत आना ही है उसकी। एक मछली दूसरा मछली खाते कोई ना कोई दूसरा मछली आ जाए खाने वाला, बंगाली नहीं मिला तो क्या, उड़िया वाला नहीं मिला तो क्या, अटल जी नहीं मिले तो क्या, खाने वाले कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा खाने वाला, क्यों नहीं। संसार में तो चलता है जीवो जीवो से अन्नम भवति। इसलिए दृष्टांत जान के दिए था मत्स्यो उदके देवा ऊचो, देवताओं ने कहा विदेह उष्यतांगामम लोचनेशु शरीरिणाम उन्मेषण निमेषाभ्याम लक्षित अध्यात्म संस्थित। ठीक है हे निमी, तुम्हारी अपनी इच्छा के मुताबिक शरीर से रहित तुम जिंदा रहो, बोल दिया बिना शरीर का तुम भ्रमण करते रहो फिरते रहो। उषिताम विदेह एव कामम लोचनेशु शरीरिणा, सकल शरीरियों का लोचनेशु इंद्रियेशु यथा कामम उषिताम विदेह सन, शरीर रहित होकर के तुम यथा इच्छा विद्यमान रह सकते हो। उन्मेषण निमेषाभ्याम, और उन्मेष और निमेश के द्वारा लक्षित होकर के तुम अध्यात्म संचित हो, और इसलिए क्या है निमिष, निमि से ही बना निमिष, ये राजा निमि ही बन गया निमिष, हमारे उन्मेष और निमेश एक निमिष का होते हैं, एक सेकेंड, एक मिनट नहीं, निमिष का मतलब मिनट नहीं, जितने समय में आपका पलक उठ के गिरता है स्वाभाविक तौर पर उतने समय का नाम एक निमिष। इस रूप में निमि राजा हम सभी के अंदर विराजमान, सर्व्यापक सब शरीरों में रह गया, हाँ अपने उसके सुशरीर है, स्थूल शरीर वाला कभी नहीं होता, अब उसका पुनर्जन्म नहीं, सूक्ष्म शरीर में ही सदा रहेगा, और सभी में निमिष रूप में विद्यमान लोचनेशु, इसलिए ना उन्मेष निमेषाभ्याम शरीरिणाम लोचनेशु लक्षितो अध्यात्म संस्थित, और अपने स्वरूप में संस्थित होकर के तुम निमिष रूपेण सभी के ग्रहण होते रहोगे। अराजक भयम नृणाम मन्यमाना महर्षय देहम अमंतु स्म निमेह कुमार समजायत, लेकिन हाँ महर्षि ने सोचा राजा के बिना संसार कैसे चलेगा ये, अराजक भयम ऋणा मनुष्यों के अंदर अराजक ने दस्यु डकैत बदमाश होगा, ये राज चलने लगेगा मनमाने होगा, तो इस भय को दूर करने के लिए मानता महर्षि ने क्या किया, स्म निमेह देह ममंत हो निमि का शरीर का मंथन करने लगे, तब उससे कुमार को उत्पत्ति हुआ। कुमार किसको कहते हैं, कुछ तो मारे तो कुमार, कुछ तो मृत्युवान इत्यर्थ, बारंबार अत्यंत घृणित मृत्यु को भोग किया हुआ जो व्यक्ति होता है उसी का नाम कुमार होता है। इसलिए पैदा कौन हुआ, बोलते हैं ये जो पिछले बार मरा था वही दोबारा पैदा, इसलिए इसका नाम कुमार, या कुमारी जो पहले मरी थी दोबारा पैदा हो गई इसलिए उसका नाम कुमारी, जो बार बार कुत्सित मृत्यु को अनुभव किया हुआ है वही दोबारा आ गया ना इसलिए उसका नाम रख दिया कुमार अथवा कुमारी।
कुसितो मृत्युम अनुभूतो ये न सा कुमार मार मृत्यु जन्मना जनक स्वभूत वैदेहस्त विदेहज मिथिलो मथना जातो मिथिला तेन निर्मिता येन निर्मिता। कहते हैं इस पुत्र के सारे तीन नाम हो गया, एक का नाम इसका नाम हो गया जनक। क्यों? ये जो है जन्मना जनक स्वभूत, जन्म किसे हुआ? के पिता से पैदा हुआ, मातु थी नहीं, किसी स्त्री का गर्भ से पैदा हुआ क्या? नहीं, उस मुर्दे का मंथन किया, ध्यान चिंतन मनन किया, उससे एक विलक्षण सामर्थ्य जगृत हुई, उस विलक्षण सामर्थ्य ऋषियों के प्रदत्त सामर्थ्य से एक पुत्र सदृश वस्तु उत्पन्न हो गया। उसे उन्होंने प्राण आधान करके जो जीवित कर दिया है, तो वो इस क्या हो गया? जनक हो गया। उसका नाम जनक मात से, पिता मात से पैदा, उसका नाम ही जनक हो गया। दूसरा विदेह हो गया था, कौन? देवता ने कहा विदेह उष्यताम निमि, उसका पुत्र होने से उसका नाम वैदेह हो गया। मंथन से पैदा हो उसका नाम मिथिला हो गया, और इसे मिथिला राजा के द्वारा प्रदान किया गया नगरी का नाम मिथिला नगरी हो गई। इसका तीन नाम हो गया, जन्मना जनक स्वभूत वैदेहस्तु विदेहज, विदेश जन्य से वैदेह हो गया, मिथिलो मथना जातो, मथन से पैदा होने से इसका नाम मिथिला हो गया, और ये न मिथिला निर्मिता, जिसके द्वारा मिथिला नगरी की स्थापना की गई थी। विदेह राजा जनक मिथिला नगरी का स्थापक इस प्रकार से उत्पन्न हुआ। नहीं थी, पहले रही है लेकिन नगरी के रूप में नहीं थी, एक राजा अधिष्ठित नहीं था, कोई दूसरे राजा के अधीन रहा होगा, उसको अपना अलग बना लिया, उसने क्षेत्र हो गया उसका अपना, जैसे जो है पाकिस्तान का था पहले, भारत में ही तो था, अलग थोड़ी था। अफगानिस्तान क्या था? भारत में ही था। अरब देश का आते भारत में ही था। यूनान तक पूरा भारत था। भागवत के अनुसार जो है ययाति राजा ने यवन को देश बहिर्भाव कर दिया, देश से बहिष्कृत कर दिया ना उसको, जब उसने अपना देश बसाया जिसका नाम यवन की तरफ बसा, देश का नाम यवनम, जिसको आप अपभ्रंश से आज यूनान बोलते हैं, युगांडा, वो एक देश वहां तक भारत था। इसका मतलब उससे बाहर कर दिया ना उसको, भारत से बाहर की मैंने वहां छोड़ा, भारत के बाहर छोड़ने को जब आदेश दी, मैंने वहां तक उसमें भारत था। बाद में अरब देश अलग हुआ, अफगानिस्तान अलग हो गया, अब पाकिस्तान भी अलग हो गया, अब कश्मीर भी अलग होना चाह रहा है, इधर पंजाब अलग होना चाह रहा है, उधर जो उधर अलग होना चाह रहे, उधर अलग होना चाह रहे, चारों दिशाओं में अलग होने चाह रहे हैं, टुकड़े टुकड़े में होना चाह रहे हैं। हो रहे कि नहीं हो रहे? चारों तरफ आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद सब चल रहा है। ये तो संसार का नियम अनादिकाल से, जिसको जोड़ा उसको तोड़ना है, ये टूटेगा फिर जोड़ेगा, ये संसार चलेगा ऐसे। जहां योग है वहां वियोग है, जब योग है तो फिर योग होना ही है, योग वियोग का चक्र से कोई मुक्त हो नहीं सकता है जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं। इसलिए कहते यहां पर देखो, तस्माद् उदावसुस्तस्य पुत्रो भूत नंदीवर्धन तथा सुकेतुस्तस्यापि देवरातो महीपते। हे महीपते रे परीक्षित सुनो, उस विदेह राजा जनक का जो पुत्र हुआ उदावसु, उदावसु का पुत्र हुआ नंदीवर्धन, नंदीवर्धन का पुत्र हुआ सुकेतु, सुकेतु का पुत्र हो गया देवरात। तस्मात् बृहत् धृतस्तस्य महावीर्य सुधृत पिता सुधृते धृष्ट केतुर्वई हर्यश्वथ मरुस्ततः। तस्मात् बृहद्रथ, उसे बृहद्रथ नाम का पुत्र हुआ, उस बृहद्रथ का पुत्र महावीर है, और महावीर का पुत्र सुधृत है, जो सुधृत का पुत्र धृष्टकेतु, धृष्टकेतु का पुत्र हर्यश्व, हर्यश्व का पुत्र दूसरा मरु हो गया। मरो प्रतिपक तस्मात् जात कृतिरदो यद देवमीडस्तस्य सुतो विसृतो अथ महाद्रति। मरु का पुत्र प्रतिपक, प्रतिपक का पुत्र भी कृतिरथ, कृतिरथ का पुत्र देवमीढ़, देवमीढ़ का पुत्र विसृतो अत महाधृति, और विसृत का पुत्र महाधृति। कृतिरातस्तस्मात् महारोमात् तत्सुतः स्वर्णरोमा सुतस्तस्य रस्वरोमा व्यजायत। कृतिरात का पुत्र महारोम, महारोम का पुत्र स्वर्णरोम,
स्वर्ण रोम का पुत्र आगे ह्रस्व रोम, ह्रस्व रोम का पुत्र कौन होता है? तथसीरद ध्वजो जज्जे यथार्थं कर्षदो महीम सीता सीराग्रतो जाता तस्मा सीरद ध्वज स्मृत। तथा सीरद ध्वजो यज्ञ उसका पुत्र हुआ सीरद ध्वज, यज्ञ यथार्थं कर्षतो महीम, और क्या कर दिया यज्ञ के अंग भूता होकर के महीम कर्षतो, महीम ने पृथ्वी को जो उसने जो है हल से खींच रहा था, सीराग्रतो सीता जाता, वह जो सीर कहते उसके अग्र से सीता उत्पन्न हो गई, इसलिए उसका नाम भी पड़ गया सीरद ध्वज स्मृत, सीरद ध्वज नाम पड़ गया उस राजा का। वही जनक उसी जो गद्दी पर बैठ गया सबका नाम जनक विधेय, जनक विधेय राजा जनक इसके नाम पड़ जाता था, इसे सीरत ध्वज भी उसका नाम पड़ गया, वही जनक विधेय उसका असली नाम क्या था? सीरत ध्वज, सीरत ध्वज। जग्गे यथार्थम कर्षतो महीम, जो यथार्थम कर्षतो महीम अपनी इच्छा के अनुसार जो है फलादि को प्राप्त करने के लिए हम पृथ्वी को कर्षण कर रहा था, सीर के अग्रभाग से सीता प्राप्त हुई, इसलिए इसका नाम सीरत ध्वज भी हो गया था। उसका पुत्र कौन हुआ सीरत ध्वज का? सीता जी का भाई कुशत ध्वज तस्य पुत्र तथो धर्म ध्वजो नृपः, धर्म ध्वज से दो पुत्र कृत ध्वज मित ध्वज। उसका पुत्र कुशत ध्वज, कुशत ध्वज का पुत्र धर्म ध्वज, धर्म ध्वज का पुत्र हो गया दो, एक का नाम कृत ध्वज दूसरे का नाम मिथ ध्वज। कृत ध्वजात केशित ध्वज खांडिक्यस्तु मिथ ध्वजात कृत ध्वज सुतो राजन आत्म विद्या विशारद। कृत ध्वज से केशित ध्वज पैदा हुआ और खांडिक्य मिथ ध्वज से पैदा हुआ। कृत ध्वज सुतो और कृत ध्वज का भी पुत्र वार है राजन आत्म विद्या विशारद, आत्मविद्या में महान जो है योगी था वह खांडिक्य कर्म तत्वज्ञ, और जो खांडिक्य था लेकिन वो कर्म का तत्वज्ञ था। कृतध्वज का जो पुत्र केशित ध्वज था महान ज्ञानी था, और उधर जो है खांडिक्य जो था मिथध्वज का पुत्र वो कर्म कर्म कांडी था। देखो ना क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति ले रहे कि नहीं ले रहे, लेकिन वो डरा ये ज्ञान वाला जो है ना हमको खत्म कर देगा, कर्म को ठिकने नहीं दे गए, इसे ज्ञान को भाया हो। भीत केशित ध्वजा आद्रुता कर्म तत्वज्ञ खांडिक्य भीत केशित ध्वजात द्रुत भीत, वो भयभीत था कौन खांडिक्य जो कर्म तत्वज्ञ था वो तो भयभीत रहा और उसको क्या किया केशित ध्वज से द्रुत सन द्रुत में पलायित भगा दिया गया। भानुमानस्य पुत्रो भूत शतध्युम्नस्तु तत्सुतः श्रुतिस्तत्तरयस्तस्मात् सनद्वाजस्ततो अभवत्। तस्य पुत्र लेकिन तादृश खांडिक्य का पुत्र वा भानुमान, और भानुमान का पुत्र वा शतध्युम्न, शतध्युम्न का पुत्र शुचि, शुचि तनयस्तस्मात् और उसका पुत्र कौन है सनद्वाज, सनद्वाज का पुत्र ऊर्ध्वकेतु, ऊर्ध्वकेतु का पुत्र पुरुजित सुतः पुरुजित हुआ। अरष्टनेमिस्तस्यापि श्रुतायुस्तत्सुपार्श्वकः तदश्चित्ररतो यस्य क्षेमधीर्मिथिलाधिपः। उसका पुत्र अरष्टनेमी, अरष्टनेमी का श्रुतायु, श्रुतायु का पुत्र जो सुपार्श्वक, सुपार्श्वक का पुत्र चित्ररत, चित्ररत का पुत्र क्षेमधीर मिथिलाधिप, मिथिला का राजा क्षेमधी हुआ। तस्मात् समररत समर समरथस्तस्य सुतः सत्यरथस्ततः आसीत् उपगुरुस्तस्मात् उपगुप्तो अग्निसंभवः। उसका पुत्र है समरथ, समरथ का पुत्र है सत्यरथ, सत्यरथ का पुत्र वा उपगुरु, उपगुरु का पुत्र है उपगुप्त जो कि अग्नि की कृपा से उत्पन्न हुआ था। वस्वनन्तो तत्पुत्रो युधो यत् सुभाषणः श्रुतस्ततो जयस्तस्मात् विजयोऽस्मादृतस्मृतः। वस्वनंत नामक पुत्र वस्वनंत अथ तत्पुत्रो युध यत् सुभाषण जिससे सुभाषण नामक पुत्र हुआ, और सुभाषण का पुत्र श्रुत, श्रुत का पुत्र जय, जय का पुत्र विजय, विजय का पुत्र ऋत नामक पुत्र हुआ। शुनकस्तत्सुतो जज्जे वीतव्यो धृतस्ततः बहुलाशो धृतस्तस्य कृतिरस्य महावशी। उस ऋत का पुत्र है शुनक,
शुनक का पुत्र वा जो वीत हव्य सुतो जग्ञे वीत हव्य हो और उसका पुत्र धृति, धृति का पुत्र बहुलाश्व, बहुलाश्व का पुत्र वा कृति, कृति का पुत्र वा महावशी। ये ते वै मिथिला राजन आत्मविद्या विशारदा योगेश्वर प्रसादेन दंदेर मुक्ता गृहेश्वपी। कहते हैं कि भाई योगेश्वर जो है प्रसाद देना भगवान की कृपा के कारण से द्वंद्वों से मुक्त और गृहस्थी में रहते हुए भी ये सब मिथिला के राजा आत्मविद्या में महान प्रकांड हुआ करते थे।